दोस्तों आज मैं डे ऑफ द डेड ब्लड लाइन मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये मूवी 1985 की डे ऑफ द डेड की रिमेक्स की दूसरी मूवी है। मैंने पहली मूवी को एक्सप्लेन कर दिया है, डे ऑफ द डेड जो सन 2008 में आई थी। अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसे भी देख लीजिए। मैंने उस मूवी को एक्सप्लेन कर दिया है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नाउ लेट्स एक्सप्लेन डे ऑफ द डेड ब्लड लाइन। डे ऑफ द डेड ब्लड लाइन मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि पूरे शहर में ज़ॉम्बीज़ ने अटैक कर दिया और वो लोगों को बहुत ही बेरहमी से काट रही है। फिर हमें ज़ोई नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो उन ज़ॉम्बीज़ से बचते हुए भाग रही होती है। तभी एक ज़ॉम्बी उसे देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। फिर हमें 4 घंटे पहले विन टैंडल यूनिवर्सिटी के मेडिकल सेंटर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ मेडिकल स्टूडेंट एक डेड बॉडी का इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। इस दौरान जोई भी वहाँ पर होती है क्योंकि वो भी एक मेडिकल स्टूडेंट है। जब डॉक्टर उन सबसे उस आदमी के मरने का रीजन पूछती है तो जोई बताती है कि इसके फेफड़ों में ऑक्सीजन न पहुंचने की वजह से वो मारा गया है। ये सुनकर डॉक्टर काफी खुश होती है। फिर जोई के पास अपना ब्लड सैंपल देने के लिए उसका रेगुलर पेशेंट मैक्स आता है, जिसके अंदर आम लोगों के मुकाबले बहुत ज्यादा एंटीबॉडीज होती है। इस दौरान हमें पता चलता है कि मैक्स जोई से प्यार करता है, लेकिन जब वो जोई से इस बारे में पूछता है तो वो उसे साफ इनकार कर देती है। इसके बाद मैक्स उसे दिखाता है कि उसने अपने हाथों पर जोई का नाम लिख रखा है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। इसे देखकर जोई काफी डर जाती है। तभी वहाँ पर जोई की फ्रेंड आ जाती है, जिसे देखकर मैक्स वहाँ से चला जाता है। इस दौरान हम देखते हैं कि मेडिकल सेंटर में पार्टी हो रही है, तो जोई भी वहाँ पर पहुँचती है। तभी पीटर उससे मुर्दा घर से गैस टैंक लाने में मदद मांगता है, इसीलिए वो उसकी हेल्प के लिए वहाँ पर पहुँचती है, लेकिन पीटर वहाँ से पहले ही निकल जाता है। इसके बाद वहाँ पर मैक्स पहुँच जाता है जो जोई का रेप करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता वहाँ पर लेटा हुआ मुर्दा उठ जाता है, क्योंकि अब वो एक ज़ॉम्बी में बदल गया था। फिर वो ज़ॉम्बी मैक्स पर अटैक कर देता है और उसे बहुत ही बुरी तरह से काट लेता है। ये देखकर जोई बहुत ही ज्यादा डर जाती है और भागती हुई पार्टी में पहुंचती है। हालांकि वो सब लोगों को इस बारे में बताने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर ही ध्यान नहीं देता। तभी वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ अटैक कर देते हैं, जिससे वहाँ मौजूद सब लोग देखते ही देखते इन्फेक्टेड होने लगते हैं, लेकिन जोई वहाँ से बचकर भाग जाती है। फिर हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पूरी दुनिया में बहुत ही कम लोग सरवाइव कर पाए हैं, जिनमें जोई भी है। और अब वो एक रिफ्यूजी कैंप में रहती है, जो कि एक बंकर में है। इसे चारों तरफ से फैंस से घेरा गया है, ताकि ज़ॉम्बीज़ उन पर हमला ना कर सके। इस दौरान हमें पता चलता है कि वहाँ का इंचार्ज मिगेल नाम का एक मिलिट्री ऑफिसर है। इसके बाद हम देखते हैं कि रिफ्यूजी कैंप में मौजूद लिली नाम की एक लड़की की तबीयत काफी खराब हो रही है, इसीलिए जोई मिगेल को इस बारे में बताती है कि मैं जो एंटीबायोटिक लिली पर यूज कर रही है वो काम नहीं कर रहा, इसीलिए उसे बैक्टीरियल प्रॉब्लम हो गई है। हालांकि मैंने अभी तो उसे क्वारंटाइन कर दिया है, लेकिन हमें उसके लिए एंटीबायोटिक सप्लाई लानी पड़ेगी, जो कि विन टैंडल यूनिवर्सिटी में है। लेकिन मिगेल इस चीज के लिए साफ मना कर देता है। इस पर वो उसे समझाती है कि अगर हम उसके लिए एंटीबायोटिक नहीं लाए तो धीरे धीरे सब लोग बीमार हो जाएंगे। ये सुनकर मिगेल अपने भाई बाका के लीड में एक टीम भेजने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि जोई और बाका एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन जब वो दोनों साथ में होते हैं तो जोई के दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, इसीलिए वो बाका को वहीं पर छोड़कर लिली को देखने के लिए चली जाती है। हालांकि ये बात बाका को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। फिर अगले दिन जोई एलिस बका फ्रैंक लूसी डेरेक और थॉमस सप्लाई लेने के लिए यूनिवर्सिटी की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। अब लूसी गाड़ी को ठीक करने की कोशिश करती है, जिससे उन्हें वहीं पर शाम हो जाती है और ज़ॉम्बीज़ उन पर हमला कर देती है, लेकिन वो लोग वहाँ से बचकर निकल जाते हैं और यूनिवर्सिटी पहुँचते हैं। वहाँ पर जोई को वो एंटीबायोटिक मिल जाती है, लेकिन इस दौरान वो टीम से अलग हो जाती है, जिससे उस पर एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है जो कि कोई और नहीं मैक्स था। हालांकि वो उससे बचकर भागने की कोशिश करती है। तभी टीम के बाकी मेंबर्स उसे मिल जाते हैं। उसी समय कई सारे ज़ॉम्बीज़ उन पर अटैक कर देते हैं, जिससे फ्रैंक बहुत ही बुरी तरह से घायल हो जाता है और वहीं पर बहुत ही बुरी तरह से मारा जाता है। इसके बाद बाकी लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अब फ्रैंक के मरने की वजह से मिगेल बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है, हालांकि जोई उसे समझाने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर फ्रैंक की वाइफ आ जाती है, जो जोई से कहती है कि जो भी हुआ उसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। इस दौरान हम देखते हैं कि उनकी गाड़ी के साथ साथ मैक्स भी वहाँ पर पहुँच गया है, जो गेट बंद होते समय एक सोल्जर पर हमला कर देता है और चुपके से बंकर के अंदर आकर एक टनल में छुप जाता है। यहाँ पर वो देखता है कि बका और जोई एक दूसरे से प्यार करते हैं और इस बात से वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी उसके चलने की आवाज स्टीव नाम का एक आदमी सुन लेता है। उसे लगता है कि वहाँ पर कोई चूहा है, इसीलिए वो उसे मारने के लिए टनल में जाता है। तभी उस पर मैक्स हमला कर देता है। फिर जब उसकी गर्लफ्रेंड ब्रैंडी उसे बुलाने के लिए वहाँ पर पहुँचती है तो उसे टनल से खून गिरता हुआ दिखाई देता है। फिर वो टनल खोलती है तो उसके अंदर से स्टीव की डेड बॉडी निकलती है, जिसे बहुत ही बुरी तरह से खा लिया गया था।
ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वहाँ से बचकर भागने लगती है। लेकिन मैक्स उस पर हमला कर देता है और उसे भी बहुत बुरी तरह से मार देता है। इसके बाद हम जोई को देखते हैं जो लिली से मिलकर वापस आ रही होती है। तभी उसे वहाँ पर किसी के होने का एहसास होता है और अचानक से उसके सामने मैक्स आ जाता है। इसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और भागती हुई अलर्ट अलार्म बजा देती है। इससे सब लोग उसे बचाने के लिए उसकी तरफ भागते हैं। इधर जोई गेट बंद हो जाने की वजह से फंस जाती है। तभी मैक्स उसके पास पहुंचता है और उसे अपना हाथ दिखाता है, इस पर जोई का नाम लिखा था। ये देखकर वो उसे पहचान लेती कि वो मैक्स ही है। लेकिन इस दौरान वो बहुत ही ज्यादा हैरान होती है कि वो ज़ॉम्बी बनने के बाद भी उसे पहचान रहा था। फिर मैक्स जोई के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। ये देखकर वो काफी हैरान होती है कि मैक्स उसे काटने की कोशिश नहीं कर रहा। तभी वहाँ पर बका भी अपने कुछ साथियों के साथ पहुँच जाता है और मैक्स को शूट करने लगता है। इससे वो जोई को छोड़ देता है। लेकिन जब वो मैक्स को मारने की कोशिश करता है तो जोई उसे इस चीज के लिए मना कर देती है और उससे कहती है कि मैं जिस चीज को इतने दिनों से ढूंढ रही थी वो इसके अंदर है, इसीलिए ये हमारे काम आ सकता है क्योंकि इसके ब्लड की हेल्प से हम वैक्सीन बना सकते हैं। अब ये लोग मैक्स को जिंदा ही पकड़ लेते हैं। हालांकि ये देखकर मिगल काफी हैरान होता है और जोई से इस बात का रीजन पूछता है। इस पर वो उसे बताती है कि मुझे रिसर्च के लिए इसकी जरूरत है क्योंकि ये पूरी तरह से एक ज़ॉम्बी में नहीं बदला, इसका दिमाग अभी इसके कंट्रोल में है। लेकिन मिगेल को इन बातों पर विश्वास नहीं होता, इसीलिए वो जोई को ये प्रूफ करने के लिए कहता है। हालांकि बका जोई को ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वो जब अपना हाथ मैक्स को दिखाती है तो मैक्स उसे नहीं काटता। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। लेकिन मिगेल को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो सोल्जर से मैक्स को शूट करने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर फ्रैंक की वाइफ आ जाती है जो मिगेल को समझाती और कहती है कि हमें जोई को एक चांस देना चाहिए क्योंकि इस वैक्सीन की हेल्प से इन्फेक्टेड होने वाले लोग बच सकते हैं। इसके बाद मिगेल जोई को मैक्स पर रिसर्च करने की परमिशन दे देता है। इसके बाद जोई मैक्स के ब्लड सैंपल पर काम करना शुरू कर देती है। उसे पता चलता है कि मैक्स का बाहरी शरीर पूरी तरह से मर चुका है, लेकिन उसकी आंखें, दिल और पैर अभी भी वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे कि एक नॉर्मल इंसान के करते हैं। लेकिन उसे और ब्लड सैंपल की जरूरत थी, इसीलिए वो उसका खून निकालती है। इसके बाद जोई को पता चलता है कि उसे टेस्ट के लिए एक असली ज़ॉम्बी का भी ब्लड सैंपल चाहिए, इससे वो दोनों का कंपैरिजन करके वैक्सीन बना सके। हालांकि पहले तो बका इस चीज के लिए मना करता है, लेकिन फिर वो इस चीज के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि भाई जोई प्यार जो थी उसका। खैर, इसके बाद बका अपनी टीम के साथ सैंपल लेने के लिए पहुंचता है। लेकिन जब वो ज़ॉम्बीज को पकड़ रहे होते हैं तभी बहुत सारे ज़ॉम्बी फैंस के गेट पर अटैक कर देते हैं। हालांकि सोल्जर्स उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो इस चीज में पूरी तरह से नाकाम हो जाते हैं। इससे ज़ॉम्बीज वहाँ पर मौजूद सोल्जर्स पर हमला करने लगते हैं, इसीलिए वो लोग फैंस के गेट को खुला ही छोड़कर बंकर में भाग आते हैं। इस दौरान जोई की फ्रेंड एलिस भी इन्फेक्टेड हो जाती है। अब मिगेल उसे शूट करने के लिए उसकी तरफ गन तानता है, लेकिन जोई उसे समझाती है कि इसे बदलने में टाइम लगेगा, तब तक हम वैक्सीन तैयार कर लेंगे, इससे ये ठीक हो सकती है। इस पर वो उसे पूछता है कि क्या तुम्हारी वैक्सीन तैयार हो चुकी है। अब इस बात का जोई के पास भी कोई जवाब नहीं था, इससे मिगेल एलिस को वहीं पर शूट करके मार देता है। इस बात से जोई बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और मिगेल उसे भी शूट करने की धमकी देता है और कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 12 घंटे हैं, इसके बाद मैं मैक्स को भी मार दूंगा। ये सुनकर बका काफी गुस्सा होता है और मिगेल से बात करने के लिए उसके पास पहुंचता है। इस पर वो कहता है कि तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि जोई तुम्हें धोखा दे रही है, क्योंकि मैंने मैक्स के हाथ पर जोई का नाम देखा है। तुमने उसके कहने पर मुझसे बिना पूछे फैंस का गेट खोल दिया, इसकी वजह से ज़ॉम्बी यहाँ तक पहुँच गए। शायद तुम ये बात भूल गए हो कि यहाँ का इंचार्ज मैं हूँ। इसके बाद हम जोई को देखते हैं जो अपनी फ्रेंड एलिस के मरने की वजह से काफी ज्यादा दुखी है। तभी उसके पास बका पहुंचता है और कहता है कि क्या तुम सच में वैक्सीन बना सकती हो। ये सुनकर जोई काफी हैरान होती है क्योंकि उसे लगता है कि बका उस पर विश्वास नहीं करता। और यहाँ पर बका उससे पूछता है कि मैक्स के हाथों पर तुम्हारा नाम लिखा हुआ क्यों है, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। इस पर वो बताती है कि वो एक साइको है जिसने मेरा रेप करने की कोशिश की थी और अभी इस वक्त तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर सकते हो तो मैं अकेले ही कब करूँगी। इसके बाद जोई मैक्स के पास पहुँचती है तो वहाँ पर लूसी और अल्फांसो पहुँचते हैं, और जब लूसी मैक्स के पास पहुँचती है तो वो उस पर अटैक कर देता है। और जब अल्फांसो उसे छुड़ाने की कोशिश करता है तभी मैक्स उसके पास से चाबी छुड़ा लेता है। हालांकि इस दौरान लूसी इन्फेक्टेड नहीं होती। ये देखकर जोई बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और मैक्स से कहती है कि तुमने एक बार मेरी जिंदगी खराब कर दी, मैं नहीं चाहती कि तुम दोबारा ऐसा करो। तभी मैक्स कहता है कि तुम सिर्फ मेरी हो। इसके बाद जोई जब ब्लड सैंपल से रिसर्च करती है तो उसे पता चलता है कि सैंपल से बनी वैक्सीन की मदद से किसी भी आदमी को इन्फेक्टेड होने से बचाया जा सकता है अगर उसे टाइम पर वैक्सीन दे दी जाए तो। जब जोई रिसर्च कर रही होती है तो मैक्स खुद को आजाद कर लेता है और जोई पर अटैक कर देता है, लेकिन वो उसके चेहरे पर एसिड डाल देती है और वहाँ से भाग जाती है। तभी उसे वहाँ पर बका मिलता है जिसे वो इस बारे में बताती है और चेक करने के लिए पहुँचती है, लेकिन मैक्स वहाँ से गायब था। इसके बाद वो लोग वहाँ पर अलार्म बजा देते हैं
इधर अलार्म की आवाज सुनकर लिली अपनी मॉम को ढूंढते हुए रूम से बाहर आती है। तभी उसकी मॉम, जो कि एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी, उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन एक सोल्जर वहाँ पहुँच जाता है तो वो उसे छोड़कर उसे सोल्जर पर अटैक कर देती है और फिर लिली की तरफ बढ़ती है। लेकिन वहाँ पर मैक्स पहुँच जाता है जो उस ज़ॉम्बी को मार देता है। इधर मिगेल अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि वो लोग मैक्स को देखते ही गोली मारते हैं। फिर हम जोई को देखते हैं जो लिली को ढूंढते हुए पहुंचती है। उसके सामने मैक्स आ जाता है जिसके पास लिली थी और वो लिली को मारने की धमकी देता है। वो कहता है कि मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ, तुम्हें मेरी जरूरत है तो तुम्हें मेरा बनना होगा। ये सुनकर जोई उसे खुद को मारने की धमकी देती है और उसे लिली को छुड़ाने के लिए कहती है, लेकिन इस बात से वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और लिली पर हमला करने की कोशिश करता है, जिससे जोई डर जाती है और अपनी गन नीचे रख देती है। तभी मैक्स उस पर हमला कर देता है और उसे खींचते हुए बंकर के बाहर ले जाता है, जहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बका और मिगेल सोल्जर्स के साथ उन ज़ॉम्बीज का सामना करते हैं, लेकिन देखते देखते बहुत सारे ज़ॉम्बीज बंकर के अंदर आ जाती हैं और एक एक करके सोल्जर्स को मारने लगते हैं। इसी दौरान लूसी भी इन्फेक्टेड हो जाती है, जिससे अल्फांसो उसे भी मार देता है। हालांकि उसे इस बात से बहुत ही ज्यादा दुख होता है। तभी एक ज़ॉम्बी बका को भी काट लेता है, जिसके बाद मिगेल बंकर का दरवाजा बंद कर देता है। हालांकि बका उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि लिली और जोई अभी भी बंकर के बाहर थे। ये सुनकर मिगेल बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये सब जो कुछ भी हो रहा है उसका रीजन कोई और नहीं बल्कि जोई ही है, इसीलिए अगर तुम मेरे रास्ते में आए तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। तभी एक ज़ॉम्बी मिगेल पर अटैक कर देता है और उसकी अच्छाइयों को नोच नोच कर खाने लगता है, इससे वो वहीं पर मारा जाता है। इसके बाद हम जोई को देखते हैं जिसे लिली मिल जाती है, लेकिन उसे ढूंढता हुआ मैक्स भी वहाँ पर पहुँच जाता है। तभी जोई उस पर अटैक करके उसका पेट बहुत ही बुरी तरह से फाड़ देती है और फिर उसका गला धड़ से अलग कर देती है। इसके बाद वो बंकर में पहुँचती है और देखती है कि इन्फेक्टेड होने की वजह से बाका खुद को शूट करके मारने वाला है, लेकिन जोई उसे समझाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वो कहता है कि ये मुझे बदल रहा है। अब जोई उससे रिक्वेस्ट करती है और उसे विश्वास दिलाती है कि वो उसे वैक्सीन की मदद से ठीक कर सकती है। इसके बाद हम देखते हैं कि बका वैक्सीन की मदद से पूरी तरह से ठीक हो जाता है। फिर वो लोग रेडियो की मदद से बचे हुए लोगों को इन्फॉर्म करते हैं कि उनके पास वैक्सीन है, इससे वो इन्फेक्टेड होने से बच सकते हैं और इसकी वजह से धीरे धीरे फिर से दुनिया बदलने लगती है और सब कुछ नॉर्मल होने लगता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको मूवी अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।